పంజాల జిల్లా శ్రీశైలం. శ్రీశైలంలో ఓ యువకుడు హర్యానా నుంచి కన్యాకుమారి దాకా సైకిల్ యాత్ర చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఓ యువకుడు 1 కిలోమీటర్ సైకిల్ తొక్కాలన్నా చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో అలాంటిది ఆ యువకుడు అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాడు. అడవియన్నా, అడవిలో ఉన్న చెట్లన్నా, అదేవిధంగా వ్యవసాయం అన్నా, ఆక్సిజన్ ఇలాంటివన్నిటిపైన చాలా ప్రేమతో ఉన్నటువంటి ఆ యువకునితో ఒకసారి మనం ఫేస్ టు ఫేస్ మాట్లాడి చూద్దాం. बोलना तू किधर से आया? मैं हरियाणा से आया हूँ और मेरा नाम राजू है और मैं 100 डेज ट्रैवलिंग कर रहा हूँ और मेरे पिताजी है वो फार्मर हैं और मैं अभी हरियाणा से कन्याकुमारी के लिए जा रहा हूँ. मैं लगभग अभी श्रीशैलम रुका हुआ था तो यहाँ से अब तिरुपति, फिर रामेश्वरम और फिर कन्याकुमारी जाऊँगा. और मेरा जो मोटिव है वो है सेव ट्रीज का. और यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा जंगल है तो भाई दिल खुश हो गया देख के और बहुत खुश हूँ मैं इस जंगल से, क्योंकि एक ये टाइगर रिजर्व भी है तो बहुत अच्छा लग रहा है. और बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए, पेड़ बचाइए और जो हमारे आसपास पेड़ खड़े हैं उनमें आप पानी डालिए, उनकी केयर कीजिए. और ये पेड़ लगाना और उनको बचाना हमारी एक जिम्मेदारी है और पर्यावरण में अपना योगदान दीजिए. धन्यवाद. तू कितने तक करे? मैंने बीए किया है इग्नो से. तो एनी जॉब? मैं अभी मेरे छोटे भाई के साथ में स्टैचू बनाने का काम सीख रहा हूँ. जो स्टैचू होते हैं फाइबर के, सीमेंट के. तो अब सिरसेलम कंप्लीट हो गया सो? तुम्हारी ट्रैवल सिरसेलम कंप्लीट हो गया सो? नेक्स्ट किधर जाती तू? मैं अभी तिरुपति, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, फिर रिटर्न होके महाराष्ट्र उज्जैन, फिर मैं हरियाणा वापस. तो उतना ट्रैवल हो ओनली बाइसाइकिल? हाँ, बाइसाइकिल. ओके, तुम्हारा बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या होया? बेस्ट कॉन्सेप्ट सेव ट्रीज ऐसा, और जितने ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना और उन्हें बचाना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना कि हमारे आस पास जो पेड़ पौधे खड़े हैं उनको बचाओ, उनमें पानी दो, उनकी केयर करो अपनी जिम्मेदारी से. मेरे तो होता ट्रैवलिंग बाइक में कराना सो, कहीं को साइकिल में से जाती? साइकिल पे ये है कि इसमें पॉल्यूशन नहीं है. ओके, तो इसमें पेट्रोल का खर्चा नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है. बस एक ही है कि हमारी फिजिकल हेल्थ भी बेटर रहती है. इसमें बस ये है कि थोड़ा सा हिल्स एरिया में हमें प्रॉब्लम आती है, बाकी साइकिल अच्छी रहती है बाइक से. तो यंगस्टर क्या मैसेज कर देती? यंगस्टर से मैसेज यही है कि पेड़ पौधों पे थोड़ा ध्यान दीजिए और अगर आपकी स्टडी पूरी हो गई है तो आप इंडिया देखने जरूर निकले. इंडिया बहुत खूबसूरत है और ज्यादा से ज्यादा घूमिए. जब भी टाइम लगे आप अपने आसपास या कहीं भी ट्रैवलिंग जरूर करें. तुम्हारे फादर फार्मर से? हाँ. तू फार्मर करती? हाँ, मैं फार्मर भी करता हूँ, खेती भी करते हैं और साथ में मैं अपने भाई के साथ में काम करता हूँ. मैं फार्मिंग भी करता हूँ और मैं अपने छोटे भाई के साथ में काम भी सीख रहा हूँ, स्टैचू का, सीमेंट फाइबर का. फार्मर के यूथ को क्या मैसेज दे दी? फार्मिंग में अगर आपके अच्छी नॉलेज है या आपके फादर फार्मर है तो आप फार्मिंग में जा सकते हो. अगर अच्छी नॉलेज है तो वो आपके पास अच्छे ऑप्शन हैं फार्मिंग में भी. और आजकल जॉब का ऑप्शन बहुत कम है, लेकिन फार्मिंग में अगर आपके पास अच्छे आइडिया है तो आप फार्मिंग में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं.